हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप सबको पता है कि रिसेंटली चंद्रयान 3 जो है उसके रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं आप लोग जो गेट दे रहे हो, आप लोग जो इंजीनियर्स कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का क्या है कि ये जो है हमारे लिए काफ़ी बड़े इवेंट्स होते हैं। चंद्रयान 2 जो मिशन है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हो गए थे और लास्ट में जाके वो लास्ट फ्यू मिनट्स में फेल हो गया था, लेकिन चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा हम वापस ट्राई कर रहे हैं। आप सबको पता है गाइस कि जो साउथ पोल है वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कंफर्म की थी इसरो के चंद्रयान मिशन ने, जो सबसे फर्स्ट मिशन था। और आप सबको पता है गाइस कि ये पूरे वर्ल्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किए हैं इसने, और उसके बिहाफ पर ही अभी साउथ पोल जो है मून का उस पर काफ़ी ज़्यादा इवेंट चल रहे हैं कि वहाँ पर हम कुछ ना कुछ इस पर कराएं। इसी के लिए आर्टेमिस अकॉर्ड साइन हुई थी और रसिया और जो चाइना है उन्होंने आपस में कोलाब्रेशन भी किया है कि वो वहाँ पर एक स्टेशन बनाए फ्यूचर मिशंस के लिए, तो इसे काफ़ी वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो इसरो भी उस दौड़ में काफ़ी आगे आ रहा है। आप सबको पता है कि हमारा चंद्रयान 2 मिशन में थोड़े से लूपहोल्स हो गए थे, लेकिन फाइनली चंद्रयान 3 मिशन से वापस ट्राई कर रहे हैं। कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर हम जो अगर वो पेलोड है या फिर जो सैटेलाइट्स होते हैं वो वहाँ पे पहुँच गए, आप सबको पता है लॉन्च वॉक व्हीकल जो है उसके हेल्प से हमने वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की, वहाँ पे मून के पास जो है आप सबको पता है वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी पेलोड से जो हमारा लैंडर ओवर है अगर वहाँ पर वो सेपरेट होके एंड देन फाइनली क्या होगा गाइस कि वो वहाँ पर लैंड करेगा। लैंड करने के प्रोसेस में आप सबको पता है गाइस कि सेटेलाइट को लॉन्च करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। आप सबको पता है PSLV मिसाइल, GSLV मिसाइल, इनके माध्यम से हम लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उतारना जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की नीड होती है। आप सब ने देखा होगा SpaceX के काफ़ी सारे मिशंस थे जिसमें वो उतारते वक्त फेल हो जाते थे, और इसके लिए बहुत सारे रीयूजेबल जो टेक्नोलॉजी है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो काफ़ी चैलेंजिंग मिशंस होता है, लेकिन फाइनली हम लोगों ने वो बिल्ड किया और अब जो हमारा लैंडर और रोवर है वो साउथ पोल पर उतरने के लिए तैयार है। पहले वो पेलोड से सेपरेट होगा एंड देन वो वहां पर लैंड करेगा। एंड अगर आप सबको पता होना चाहिए पेलोड जो है उसकी 5 से 6 मंथ जो है वो कैपेसिटी रहेगी वहां से सिग्नल वगैरह हमें भेजने की। उसके अलावा जो लैंडर रोवर है वो ऑलमोस्ट 15 से 16 डे वर्क करेगा। तो गाइज मैं आपको एक ऑनेस्टी के साथ बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी साइंस से रिलेटेड आपके फील्ड से रिलेटेड डेवलपमेंट होते हैं उसके बारे में आपको डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए, आपको चीज़ों को पता करना चाहिए, क्योंकि गाइज अगर आप इन चीज़ों के बारे में पता करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू में बाकी लोगों से एक्स्ट्रा एज में रहेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन अगर आपने ये नॉलेज अपने अंदर गैदर करके रखी है तो श्योरिटी ही है गाइज कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। और गाइज आप सबको पता है कि जब भी कोई इसरो मान लीजिए सेटेलाइट लॉन्च कर रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होती है, अगर कोई रॉकेट डिज़ाइन होगा उसका प्रोजेक्टाइल मोशन से लेके बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जब कोई कार बनती है तो वहाँ पे टायर से लेके उसके चेसिस से लेके अगर आप देखोगे वहां पर उसके फ्रेम से लेके ठीक है सीट जो है उसका अगर आप देखोगे उन सब से लेके इंजन से लेके क्लच से लेके ठीक है ब्रेक से लेके बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो आप अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ते हो। अगर कोई फ्रेम डिजाइन हो रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स का यूज होगा, डिजाइन का यूज होगा। तो गाइज ये सब जो है आपको अगर अच्छे से इन साइंस वाले जो डेवलपमेंट हो रहे हैं जैसे चंद्रयान 3 मिशन है उसमें जो चीजें हैं उनके बारे में अगर आप पता रखते हो तो श्योरिटी है गाइज कि कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू में एक्स्ट्रा एज रहोगे। अगर आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हो तो आप सेंसर्स जो इसमें यूज हो रहे हैं जो प्रज्ञान रोवर है और लैंडर है उनके बारे में आप नॉलेज गैदर कर सकते हो, और थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ के रखोगे तो यार जब इंटरव्यू में जाओगे चाहे वो इसरो का इंटरव्यू हो चाहे किसी भी PSUs का इंटरव्यू हो टेक्निकल डोमेन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा और आप प्रैक्टिकली उनको समझा पाओगे तो आपके पास डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस रहेगा चीज़ें इंप्रूव करने का। तो गाइज इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।